ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आज के ये वीडियो बन रही है तो मैं आप सब इसी वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ये दलित क्रिश्चियन या दलित मुस्लिम का कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है और किसी भी स्टेज में होता है तो हम लोगों को चाहिए कि वो उसमें सभी जी जान से शिरकत करें। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग 85% है, 15% लोग अपनी बात करते हैं कि जी दलित उसकी जात बिरादरी की बात मत करो। जब हम 85% सबको वोट देते हैं उनको और हमें हम ही अपनी बात ना करें तो बताइए कौन करेगा। तो हमको चाहिए हम 85% एक गोलबंद हो जाए और अपना वोट एक ही पार्टी को दे जो हमारा मुद्दा मैनिफेस्टो में रखे, चाहे वो बीजेपी रखे या कांग्रेस रखे या जो गठबंधन होने जा रहा है वो रखे या कोई भी जो हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखेगा हमें उसको वोट नहीं देना। जो बीसी का कैंडिडेट खड़ा हो हमें उसी को वोट देना है और नहीं तो ये तय हुआ है कि नोटा का इस्तेमाल करना है। ये आज हम यहाँ से कह रहे हैं कि हम सब लोग जो हमारी बात करेगा वही देश पर, जो हमारी बात करेगा, जो हमारी बात करेगा तो ये है हमारा ये मुद्दा है। तो अब ये बात होती है पहले से चली आ रही है कि बीजेपी जीते तो कांग्रेस को हरा दो, कांग्रेस जीते तो बीजेपी को हरा दो। अब ये बात नहीं चलेगी, अब हमें तीसरा विकल्प चुनना होगा। जो भी हमारा तीसरा विकल्प भी अगर हमारी बात करता है तो हम उसी को वोट दें। ये हमारी अपील है आप लोगों से। बस अब ज्यादा ना बात करते हुए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हम लोग, हमारे मुस्लिम भाई जो दलित हैं, जब भी हमारा प्रोग्राम हो या ईसाइयों का प्रोग्राम हो हमको चाहिए कि हम ऐसे प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा शरीक हों। अब हम बात तो करते हैं कि हमें 80 कोटा मिलना चाहिए, क्या घर बैठे थोड़ी मिल जाएगा? जब तक हम ऐसे प्रोग्रामों में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, सैकड़ों दफा हमें अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपना दाना और अपना पानी खर्च करना पड़ेगा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी हम आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। खुदा हाफिज़।